कहते हैं पेड़ उखड़ जाते हैं, पर्वत कुछ ना कुछ हिल जाते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी उनकी दिशा नहीं तो दशा बदल जाती है। जब कोई प्रचंड तूफान आता है या भूकंप आता है, लेकिन आसमान कभी डगमगाता नहीं, वो ज्यों का त्यों स्थिर खड़ा रहता है। तो ऐसे ही मालिक के प्यारे भी स्थिर खड़े रहते हैं, वो परवाह नहीं करते। चाहे काल की तरफ से कोई बुरे कर्मों की आंधी आए या खुद के कर्मों का कोई बोझ आए, जब वो सुमरण करते हैं, भक्ति करते हैं, तो पर्वत भी चकनाचूर हो जाता है, वो पहाड़ भी चकनाचूर हो जाता है बुराइयों का, जो उनसे आके टकराया करता है। तो इसलिए पीर फकीर के वचन सुन के अमल किया करो, राम नाम के बीज डाल के सत्संग, अच्छा संग सोहबत, सेवा सिमरण करते हुए उसे सींचते रहा करो, ताकि वो बट वृक्ष बन जाए और आपका ही नहीं, आपके कुलों का ही नहीं, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी आपका भला करता ही चला जाए। तो जो इस कलयुग में सेवा करते हैं, जो अपने पीर फकीर के वचनों पे पक्के चलते हैं, अंदर कमी तो क्या, बाहर भी सतगुरु नहीं आने देता।